वीवो का X200 Pro 5G जो है इंडिया पे बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ऐसे में अगर आपको इस फोन के बारे में सब कुछ पता चल जाए तो कैसा रहेगा। मेरे पास सारी जो डिटेल्स वगैरह है इस फोन के बारे में वो आ चुका है और इस वीडियो में मैं आपको इंडियन वेरिएंट के जो प्राइसेस है वो भी शेयर करने वाला हूँ। वैसे मैं बता दूं, चाइना में ये जो फोन है ये लॉन्च हो चुका है। वीवो का X200, X200 Pro, X200 Mini ये तीनों फोन जो है ये लॉन्च हुआ है चाइना के अंदर में। वैसे इनके जो प्राइसेस वेरिएंट निकल के आया है चाइना प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही तगड़े लेवल के फोन है, बट इंडिया में जो वेरिएंट के साथ आ रहे हैं और कितना इसमें ये लॉन्च होने वाला है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे बड़े भाई के बारे में, Vivo X200 Pro 5G। ये जो फोन आपको इंडिया में बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो में फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ऐसे लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली का मौसम आ रहा है एंड सब लोग दिवाली बहुत ही सेफली बिताना, और जो पटाखे वटाखे फोड़ते हो उसमें थोड़ा सा सावधानी परख लेना क्योंकि उससे ही ज्यादातर जो भी चीजें वगैरह है वो होता है। क्या दिवाली में आपका क्या प्लान है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस फोन का जो भी डिटेल्स वगैरह निकल के आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में अगर बात की जाए पहले तो मैं इसका फर्स्ट लुक आपको दिखा देता हूँ। ये जो फोन है ये दिखने में कुछ ऐसे टाइप का होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पे इसके दो और भी छोटे भाई आने वाले हैं जो कि Vivo X200, X200 Mini। ये दो फोन बहुत जल्दी मिलेगा बट सबसे पहले आपको जो है ये प्रो वाला वेरिएंट ही देखने को मिलेगा और चाइना में लॉन्च हो जाने के बाद में भी हो सकता है 15-20 दिनों के अंदर इंडिया पे ये लोग इस फोन को लाए। बहुत ही जल्दी आपको इस फोन के बारे में टीजर फ्लिपकार्ट में भी देखने को मिल जाएगा। बैक का जो फ्रेम है वो आपको ग्लास बॉडी के साथ देखने को मिल जाएगा। सर्कुलर टाइप का मेटल डिजाइन के साथ आपको कैमरा बम्प देखने को मिलेगा, जहां पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर में। ग्लास बॉडी के साथ साथ आपको इस बार एलॉय फ्रेम भी मिलने वाला है जो कि इस फोन को थोड़ा सा ज्यादा ही प्रीमियम बनाएगा। अब डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको 6.78 इंच का एक 120 हर्ट्ज कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। LTPO टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले रहने वाला है और इसमें रेजोल्यूशन जो है 1.5K का आपको दिया गया है। सो ओवरऑल अगर देखते हो बाहर में आपको 2000 प्लस नीट से भी ज्यादा जो ब्राइटनेस है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर पंचोल डिस्प्ले है इसमें, ऑफ कोर्स गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुल मिला के अगर देखा जाए एक फ्लैगशिप फोन के हिसाब से अगर हम लोग इस फोन को जज करते हैं तो हर तरफ से इस फोन में अच्छी चीजें डाला है Vivo ने। देखो चाइना में 3 वेरिएंट में इस फोन को लॉन्च किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर 12GB की रैम के साथ लॉन्च हुआ है, 256, 512, 1TB और 16GB रैम है सारे में। इंडिया में ये फोन 128GB, 12GB वेरिएंट के साथ मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है आपको एक वेरिएंट, और जो हायर वेरिएंट होगा वो 512GB तक ही होगा। 1TB तक जो वेरिएंट है वो मे बी इंडिया पे डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, वो आने का चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। सो हम लोग पकड़ सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिल सकता है। एक तो है 12 128GB, 12 256GB और एक 16 512GB का वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है। 16 256GB का भी वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है, चांसेस तो पूरे पूरे बनते हैं। इसी के साथ साथ बता दें UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप के साथ LPDDR5X रैम टाइप देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ ये फोन जो है ब्लेजिंग फास्ट परफॉर्मेंस के साथ आपको देखने को मिलेगा क्योंकि सब कुछ आपको लेटेस्ट देखने को मिलता है। वाईफाई भी लेटेस्ट मिल जाएगा एंड जो ब्लूटूथ है वो भी लेटेस्ट दिया है इस फोन के अंदर में। एक चीज तो नहीं है सैडली 3.5 में ऑडियो जाएगी इस फोन के अंदर मिसिंग है एंड इस फोन के अंदर में आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट भी देखने को नहीं मिलता। आप डुअल सिम का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इस फोन के अंदर में आपको डायमंड सिटी का सबसे ज्यादा तगड़ा पावरफुल 2024 का 9400 5G चिपसेट देखने को मिल रहा है जो कि एक 3nm का चिपसेट है। अब इसी के साथ अगर तुलना करते हैं तो स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 के साथ ये टक्कर देता है और कोई कोई मामले में तो स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 को ये जो चिपसेट है ये बीट भी कर देता है। एंड तो स्कोर की बात तो छोड़ ही देते हैं। अब देखते हो अगर एप्पल आईफोन्स के साथ जो 16 के मॉडल्स निकले हैं 3nm चिपसेट के साथ उसके साथ भी ये चिपसेट टक्कर दे सकता है। तो अभी के टाइम पे अगर देखा जाए कि चिपसेट के दुनिया में सबसे ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर ये नंबर 2-3 में आता है। परफॉर्मेंस में नो डाउट भाई इससे बेहतरीन चीज मुझे नहीं लगता और कोई आपको देखने को मिलेगा जो कि Vivo X200 Pro ला रहा है। कैमरास की अगर हम बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरास के लेंस आपको देखने को मिलेंगे पीछे के साइड में एंड फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात की जाए बैक कैमरा की तो यहाँ पे 50 megapixel का जाइस का लेंस देखने को मिल जाएगा जो कि प्राइमरी लेंस है जिसमें आपको OIS का सपोर्ट दिया गया है। एक 50 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है और जो तीसरे नंबर का कैमरा है ये तो भाई कुछ तबाही मचा के रखा है क्योंकि 200 megapixel का एक पेरिस्कोप लेंस डाल के रखा है Vivo वालों। अब सारी के सारे लेंस के अंदर में आपको जाइस का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगा। आपको शायद पता है जाइस के लेंसेज जो है AI पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं और Vivo के फोन्स के अंदर में यही जाइस के लेंस दिए
दिए जाते हैं। सो परफॉर्मेंस वाइज, कैमरा वाइज बहुत ही तगड़ा आपको पिक्चर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ वीडियोस में भी ये अभी आईफोन को टक्कर दे सकते हैं। अब S24 अल्ट्रा के साथ 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस, इन दोनों का टक्कर तो एक बनता ही है। देखो एक तो बात बताना चाहता हूं, फ्रंट कैमरा में 32 मेगापिक्सल इस्तेमाल हुआ है, बट फिर भी आप फ्रंट बैक दोनों से ही 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि आईफोन्स एंड सैमसंग के फोन्स में कर सकते हो आप फ्लैगशिप फोन्स के अंदर। सो इजीली आप इस फोन के साथ एक महंगा आईफोन या फिर एक महंगा एंड्रॉइड फोन का तुलना कर सकते हो, जो कि वीवो X200 प्रो में आता है। देखो चाइना में इसको एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च किया गया है। अब इंडिया में आएगा जब ये एंड्रॉइड 15 पे ही आएगा, बट चाइना में ओरिजिन ओएस के साथ लॉन्च हुआ है, क्योंकि आपको पता है वीवो के फोन्स, आईक्यू के फोन्स ओरिजिन ओएस पे चलता है चाइना पे, बट इंडिया पे फन टच ओएस में चल रहा है। सो इंडिया पे भी आपको फन टच ओएस देखने को मिल जाएगा। मे बी 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट ये लोग देने वाले हैं एंड 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देने का वादा किया गया है वीवो की तरफ से लॉन्च होने से पहले, मैं बता रहा हूं। एक तो अच्छी चीज यह है कि इस फोन के अंदर में आपको IP69 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट दिया गया है। आप फोन को डुबा के आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी होने नहीं वाला है। इसके अलावा ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऑडियो DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट इस फोन के अंदर दिया है वीवो वालों ने। बैटरी के मामले में भी कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ा इन लोगों ने। 6000mAh का मैसिव बैटरी डाल के रखा है इस फोन के अंदर, और मे भी होना भी चाहिए। एक 200 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल एंड सामने 32 मेगापिक्सल कैमरा है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 जैसे पावरफुल प्रोसेसर को संभालना है तो इतना तगड़ा बैटरी तो देना ही चाहिए। साथ ही साथ 90W का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिलता है, टाइप सी पोर्ट है एंड इस फोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट वीवो वालों ने दिया है। वीवो X100 जो लॉन्च हुआ था उसका एक बहुत ही सुपर फ्लैगशिप सक्सेसर मॉडल जो है ये फोन होके आ रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। मैं भी अभी नवंबर के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा, आप डेट नहीं बता सकते, वो एम्बार्गो हो जाएगा। फिर प्राइस के बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि सबसे मुद्दे वाला सवाल है। अब अगर आप नॉर्मल वेरिएंट देखते हो 12GB 256GB वेरिएंट वाला, इसका चाइनीज मार्केट में जो वैल्यू निकल के आया है वो 6999 yuan का निकल के आया है, जो कि हम लोग इंडियन मनी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 62,000-63,000 के आसपास हो जाता है, 62,500 के आसपास होता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इंडिया में कौन सा प्राइस के साथ ये फोन लॉन्च होने वाला है बेस वेरिएंट, तो मैं आपको एक चीज तो श्योर बता देना चाहता हूं कि यहां पे आपको 12GB 128GB वेरिएंट भी एक देखने को मिल सकता है। मे बी अब अगर ये 12GB 128GB में आता है तो अंडर 60,000 में लॉन्च होगा, और अगर 12GB 256GB में लॉन्च हो जाता है तो आप 62,000 से 65,000 के आसपास में इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। मे बी चाइना में जब लॉन्च होता है उससे 2-3 हजार रुपया ज्यादा ही रहता है। हम लोग पकड़ सकते हैं 65,000 के अंदर में मिलने वाला सबसे बेस्ट एंड सबसे तगड़ा लेवल का कैमरा, तगड़ा लेवल का IP रेटिंग, तगड़ा लेवल का प्रोसेसर, तगड़े लेवल के बैटरी के साथ ये जो फोन है वायरलेस चार्जिंग लेके आ रहा है इंडियन मार्केट के अंदर में। सो दोस्तों ये थे सारे स्पेक्स एंड सारे कंफर्म डिटेल्स वीवो X200 सीरीज के प्रो वाले फोन का। आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में आप क्या एक्साइटेड हो इस फोन के लिए, क्या आप खरीदने के लिए सोच रहे हो, डू लेट अस कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे लेटेस्ट वीडियोस और भी देखने को मिलते रहते हैं।